अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तहज़ीब, तहज़ीब या सकाफ़त, जिसको अगर हम आसान लफ्ज़ों में बयान करें तो इंसान की रोए अर्ज़ पर पैदाइश के बाद ज़िंदगी गुजारने और तरक्की करने के वो मॉड्यूल्स जिसकी मदद से इंसान ने इस रोए अर्ज़ पर सोसाइटी और कल्चर की बुनियाद रखी। आज हम आपसे दुनिया की ऐसी एक कदीम तरीन सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे जिसको इंडस सिविलाइजेशन या मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। जी दोस्तों, तो जैसे ही हम मेन एंट्रेंस से अंदर दाखिल होते हैं तो सामने हमें इस शहर के हाकिम, जिसको उस ज़बान में किंग प्रीस्ट कहा जाता था, उसका स्टैचू नज़र आता है। जी दोस्तों, सीढ़ियों की मदद से हम अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं और सामने हमें द ग्रेट बुद्धिस्ट माउंट, जो स्टोपा के नाम से मशहूर है, हमें वो उसकी तस्वीर नज़र आ रही है। ये उस वक़्त के दौर में उनकी एक मशहूर इबादतगाह थी, जहाँ पे लोग अपने खुदा बंदे करीम की इबादत में मसरूफ़ हुआ करते थे। उसके बाद ये हम जैसे ही आगे चलते हैं तो हमें ये डांसिंग गर्ल का स्टैचू नज़र आता है। ये ओरिजिनल स्टैचू इंडिया के म्यूज़ियम में रखा गया है। ये स्टैचू भी बिल्कुल उसी की तरह है, लेकिन ओरिजिनल स्टैचू जो है वो इंडिया के म्यूज़ियम में रखा गया है। ये जो अभी सामने आप मनाज़र देख रहे हैं, ये ग्रैंड स्ट्रीट इसको कहा जाता है, जो इस पूरे शहर को एक दूसरे के साथ मिलाने में मदद करती थी। दुनिया का ये कदीम शहर अपनी तर्ज का एक बहुत तजारती और सकाफती शहर जाना जाता था। इसकी खुदाई सर जॉन मार्शल, जो एक अंग्रेज़ आर्कियोलॉजिस्ट था, जिसने 1922 में इसकी खुदाई शुरू की। खुदाई के बाद हमें इस कदीम तहज़ीब के मुख्तलिफ राज और हकीकतों से आशना किया गया, जिसमें मॉडर्न तर्ज की ड्रेनेज सिस्टम, अटैच बाथरूम्स और दीगर सहूलियात जो आज हम इस मॉडर्न दौर में इस्तेमाल कर रहे हैं। जी व्यूअर्स, तो आज हमने पाकिस्तान के सूबा सिंध के ज़िला लाड़काना में वाक़ इस कदीम तहज़ीब का विज़िट किया, आपको मुख्तलिफ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए। उम्मीद है आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।